हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्विगीज किचन। आज हम बनाएंगे अंजीर मलाई कुल्फी, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी होती है और बहुत ही हेल्दी भी। तो चलिए फिर रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे 1 लीटर फुल क्रीम दूध। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर फुल क्रीम दूध को यहाँ पे कढ़ाई में डाल दिया है और अब हम इसे एक अच्छा सा बॉईल आने देंगे। दूध में जैसे ही बॉईल आना शुरू हो जाए, हम इसमें डालेंगे 1 पिंच केसर और इसे मिक्स करेंगे। अब इसे मीडियम गैस पे चलाते हुए हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये 1/3 ना रह जाए। इस पूरे प्रोसेस में आधे से पौन घंटा लगेगा। तो आप इसे या तो फुल गैस पे कंटिन्यूस चलाते हुए पका लें या फिर आप इसे हल्की गैस करके छोड़ दें और फिर बीच बीच में इसे हिलाते रहें। बस दूध तली में नहीं लगना चाहिए। देखिए, ये रिड्यूस होके हाफ रह चुका है और अभी हमें इसे 1/3 और इसे रिड्यूस करना है। तो अभी हमें इसे कंटिन्यूस और चलाते रहेंगे। केसर का कलर भी बहुत अच्छा आ गया है, ये थोड़ा सा और रिड्यूस हो गया है। तो अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पे डालूंगी ये 4 इलायची के दाने। इसे हल्का सा क्रश कर लें। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी ये ड्राई फ्रूट। तो मैंने यहाँ पे कुछ काजू और बादाम लिए हैं, इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और अब मैं यहाँ पे ऐड करूंगी अंजीर। तो यहाँ पे मैंने 8 से 10 अंजीर लेके उसे 2-3 घंटे के लिए भिगा दिया और उसे छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिया है। ये देखिए, अब मैं इसे अंजीर को भी इसमें ऐड कर दूंगी। और अब हम दूध को थोड़ा सा और रिड्यूस कर लेंगे। ऐसे ये काफी हद तक रबड़ी फॉर्म में आ गया है, लेकिन अभी हमें इसे थोड़ा सा और रिड्यूस करना है। और अब लास्ट में यहाँ पे जाएगा 1/2 कप चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। और अब इसे 1-2 मिनट पकाने के बाद हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे कम्प्लीटली ठंडा हो जाने देंगे। देखिए, अब ये कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है और ठंडा होके थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। तो अब हम इसे ये कुल्फी मोल्ड में फिल कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इसे कुल्फी मोल्ड में फिल कर लेंगे। बीच बीच में अंजीर और ड्राई फ्रूट का जो क्रंच आता है वो बहुत ही यम्मी लगता है खाने में। इस तरीके से सारे मोल्ड को फिल कर लेंगे। और अब इसे बंद कर देंगे और 6 से 8 घंटे के लिए हम इसे फ्रीजर में रख देंगे। चलिए, अब मैं इसे सेट होने के लिए फ्रीजर में रख दे रही हूँ 6 से 8 घंटे के लिए। और ये जो बची हुई मलाई है, इसे हम ऐसे ग्लासेस में, जो छोटे छोटे ग्लासेस आते हैं, उनमें फिल कर लेंगे। अगर आपके पास कुल्फी मोल्ड नहीं है तो आप इसे इस तरह से भी जमा सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने ये छोटे छोटे ग्लासेस में फिल कर लिया है। और अब हम इसे सिल्वर फॉइल से कवर कर लेंगे। अभी इसमें हमें आइसक्रीम स्टिक या कुल्फी स्टिक कुछ भी नहीं लगाना है, क्योंकि वो इसमें मिडिल में नहीं रुकेगी, वो इधर उधर हो जाएगी। तो हमें इसे 1-2 घंटे सेट करना है। उसके बाद हम इसे फ्रीजर में से निकाल के इसके अंदर आइसक्रीम स्टिक सेट करेंगे और इसे वापस फ्रीजर में रख देंगे। तो चलिए, पहले मैं इसे सिल्वर फॉइल लगा के पैक कर देती हूँ। चलिए, 6 से 8 घंटे हो गए हैं, इसे मैंने फ्रीजर में से निकाल लिया है। और अब मैं इसे इसमें से डीमोल्ड कर लेती हूँ। इसे पहले हम हाथ से थोड़ा सा रब कर लेंगे ताकि इजीली निकल जाए।
और इसे हल्का सा घुमा के ये देखिए कितनी यम्मी कुल्फी बनके तैयार हुई है। देखिए कितनी लग रही है ना डिलीशियस। और अब हम इसे भी डीमोल्ड कर लेते हैं। सुपर, ये लीजिए हमारी दोनों कुल्फी रेडी हैं और बहुत ही मस्त लग रही है ये, है ना। कितना इजी और बहुत ही हेल्दी तरीके से घर पे बनाना। आप बाहर की कुल्फी खाते हैं और आप ये घर की खाएंगे, दोनों में बहुत ही फर्क होता है। तो आप इसे घर पे बहुत ही साफ सुथरे तरीके से, हेल्दी तरीके से घर पे बनाएं और इंजॉय करें। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।